कर्मचारी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए हैं और उन पर अभी कुछ देर पहले आंसू गैस चलाई गई, वाटर कैनन चलाई गई, अभी जानकारी मिल रही है कि लाठी चार्ज भी किया गया है। अभी मेरे को खबर यही मिली है कि आंसू गैस भी छोड़ी है और वाटर कैनन भी, लाठी चार्ज भी। ये जो व्यवहार है सरकार का, लाठी और गोली से सरकार चलाना चाहते हैं, कभी लाठियों से गोलियों से सरकार नहीं चलती है। आपने देखा पिछली कोई भी बात होती, कोई कोई अपना अधिकार मांगने के लिए आता है तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और उनका निदान करना चाहिए। ये बड़े उसकी बात है और मैं इस बात से बहुत दुखद है ये बात कि कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं उनके ऊपर ऐसी जो है बर्बरता से लाठी चार्ज की गई है। मैं इस बात की कड़ी निंदा करता हूँ। जी सर, क्या आप कर्मचारियों से क्या कहना चाहेंगे आगे? अगर कोई नहीं, हमने तो कहा है हमारे कांग्रेस को मिलता है, हमने तो क्या रखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे जैसे राजस्थान में कर दी है, हिमाचल में सरकार बदते कर दी, मध्य प्रदेश में कर दी, छत्तीसगढ़ में कर दी, तो हरियाणा में पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू। बजट सत्र में भी उठाएंगे? हाँ, बजट में उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो ये कर्मचारियों का है बहुत भारी योगदान होता है विकास के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए उनकी बात सुननी चाहिए और उनकी मांग माननी चाहिए सरकार। शुक्रिया।